भाई बहन के प्रीत को बढ़ाने फिर से राखी का त्योहार आ रहा है। आपको बता दें कि इस बार राखी 19 अगस्त दिन सोमवार को पड़ रहा है, लेकिन इस बार भी रक्षाबंधन को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है। जैसे राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या इस बार फिर से भद्रा काल रक्षाबंधन पर लगने वाला है, क्या इस बार भी राखी 2 दिन मनाई जाएगी, क्या इस बार भी राखी का शुभ मुहूर्त रात में है, क्या बहनें दिन में अपने भाइयों को राखी नहीं बांध सकती। इस तरह के तमाम सवाल हैं जो रक्षाबंधन से पहले शुरू हो गए हैं, वो भी घर घर में। सबसे पहले आप सभी का वेलकम जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। आपको बता दें कि रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन के आखिरी समय में आता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सावन का महीना पावन होता है और इस पावन महीने में बहुत सारे शुभ कार्य किए जाते हैं। तो इसी शुभ कार्यों में से एक है रक्षाबंधन का बड़ा त्योहार, जो भाई बहन के प्रीत को बढ़ाने के लिए हर साल आता है। इस दिन का बहनें बहुत ही बेसब्री से इंतजार करती हैं और भाई भी कहीं ना कहीं इस त्योहार का इंतजार तो करते ही हैं। तो भाई बहन के प्यारे से रिश्ते को बढ़ाने वाले रक्षाबंधन का असली मतलब क्या है और इस त्योहार का शुभ मुहूर्त क्या है, आखिर किस मुहूर्त में बहनें अपने भाई को राखी बांधेंगी तो वो शुभ होगा, आइए इन तमाम पहलुओं पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रक्षाबंधन की, कि रक्षाबंधन साल 2024 में कब है। तो जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया, रक्षाबंधन इस साल अगस्त 19 को है, यानी 19 तारीख दिन सोमवार को रक्षाबंधन है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सावन के आखिरी सोमवार को रक्षाबंधन का त्योहार है। सावन इस बार सोमवार से ही शुरू हुआ था और इस बार सोमवार पे ही खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि सावन के आखिरी सोमवार के दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगी और जन्मों जन्म तक सुरक्षा का वादा मांगेंगी। चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, भद्रा काल कब से लगने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस साल भी रक्षाबंधन पर हर साल की तरह भद्रा काल लगेगा। भद्रा काल होता क्या है, आप पहले ये समझ लीजिए। ग्रंथों के मुताबिक भद्रा काल एक ऐसा काल है जिस दौरान अगर कोई भी शुभ कार्य करता है तो वो हमेशा ही अशुभ हो जाता है, क्योंकि इस काल में कोई शुभ कार्य होता ही नहीं है, इसका कोई फल प्राप्त ही नहीं होता। तो जिस काल में किसी शुभ कार्य का कोई फल ही ना मिले, उस काम को आखिर आप करोगे ही क्यों उस समय में। इसीलिए सब लोग ये सोचते हैं कि जब शुभ मुहूर्त हो तभी अपना कार्य किया जाए ताकि उसका फल प्राप्त हो सके। तो इस साल भद्रा काल 19 तारीख को रक्षाबंधन के दिन लग रहा है। आपको बता दें कि 5:32 से लेकर 1:32 तक, यानी कि 19 अगस्त दिन सोमवार को 5:30 सुबह से लेकर 1:30 दोपहर तक भद्रा काल रहेगा। इस काल में कोई भी बहन अपने भाई को राखी नहीं बांध सकती, और सिर्फ राखी ही नहीं बल्कि कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकती, जैसे कि कोई कथा, पूजा पाठ इत्यादि। अगर कोई भी सोचे कि हम पढ़े लिखे हैं और ये सब कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोग हैं जो ग्रंथों में भरोसा नहीं रखते, शुभ अशुभ में भरोसा नहीं रखते, तो आपको बता दें कि जो लोग भी ऐसी गलती करने वाले हैं वो सावधान हो जाए, क्योंकि ऐसे में अगर आप अपने भाई को राखी बांधेंगे तो उसका तो कभी भला होगा ही नहीं, साथ साथ आपका भी बुरा होगा, आपके भी अच्छे दिन चले जाएंगे। ऐसा हम नहीं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इसलिए बहनों को भद्रा काल में राखी बांधने से बचना चाहिए, क्योंकि उस काल में उन्नति और प्रगति कभी नहीं हो सकती। अब बताते हैं कि आखिरकार आपको राखी बांधनी कब है, भद्रा काल समाप्त कब हो रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि 5:30 सुबह से लेकर 1:30 के दोपहर तक रक्षाबंधन पर भद्रा काल रहेगा, तो तब तक आप राखी नहीं बांध सकते और शुभ कार्य भी नहीं कर सकते। लेकिन 1:30 के बाद से, यानी 1:33 के बाद से आप कभी भी राखी बांध सकते हैं, लेकिन सिर्फ
9 बजे तक। आपको बता दें कि 9 बजे रात तक ही आप राखी बांध सकते हैं, यानी कि 1:30 बजे दोपहर के बाद से लेकर 9 बजे रात तक आप बीच में कभी भी अपने भाई को राखी बांध सकते हैं और कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये मुहूर्त शुभ मुहूर्त में आता है। शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त में अगर कोई भी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है तो उन्हें उनके फल की प्राप्ति होती है, यानी कि भाइयों का भी उन्नति होता है, उनके करियर में उछाल आता है, वो तरक्की की तरफ बढ़ते हैं, वो खुशियों की तरफ बढ़ते हैं और बहनें भी सदा खुश रहती हैं और भाई हमेशा उनको दिया अपना वचन निभाते हैं। ऐसे में सभी लोग ये कोशिश करें कि अशुभ मुहूर्त में बांधने से बचें और शुभ मुहूर्त में ही अपने भाई को राखी बांधे और कोई शुभ कार्य करें। तो जैसा कि हमने बोला था कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुभ अशुभ मुहूर्त के बारे में, भद्राकाल के बारे में, रक्षाबंधन के सही तारीख के बारे में, तो ये सब कुछ हमने आपको बता दिया। आइए अब बताते हैं कि राखी बांधने का सही तरीका क्या है और आपको कैसे राखी बांधना चाहिए। जैसा कि हिंदू परंपरा के अनुसार होता ये है कि प्रातः काल में बहने कर स्नान कर तैयार होकर अपने भाइयों के लिए व्रत रखती हैं और वो व्रत तभी खोलती हैं जब वो अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांध देती हैं। लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि भद्रा काल दोपहर तक रहेगा, तो ऐसे में दोपहर तक बिना खाए पिए रहना थोड़ा कठिन हो सकता है। तो कोई कोई हो सके कि इस बार भी तब तक व्रत रखे, लेकिन बहुत सारे लोग खोल लेंगे व्रत और कभी कभी तो शाम तक भद्राकाल होता है तो लोग ऐसे में व्रत नहीं रखते, बहनें व्रत नहीं रखती और खाना पीना खाने के बाद राखी शाम को बांध देती हैं। तो इस बार भी शायद बहुत लोग ऐसा करें या बहुत लोग हो सकता है कि उपवास करके ही राखी बांधे। लेकिन सही तरीके के बारे में अगर बात की जाए तो इस साल आपको करना ही है कि सुबह उठकर स्नान कर लेना है और अपने परिवार के साथ खुशियों में शामिल हो जाना है। नए कपड़े पहनिए, मिठाइयाँ खाइए, सबके साथ खुशी से रहिए, मिलजुल के रहिए, अपनों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि होता ये है कि आजकल के ज़माने में कोई पढ़ाई को लेकर तो कोई करियर को लेकर सब अपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं। ऐसे में एक त्यौहार ही ऐसा चीज़ है जो सभी को एकत्रित करती है और वापस से उस समय को वापस लाती है जिसमें वो पहले रहा करते थे, जैसे बचपन में एक साथ मिलकर खेला कूदा करते थे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय किया करते थे। तो इस बार ये त्यौहार आप लोग को वो मौका दे रहा है, हर बार भी देता है, तो इस बार इस त्यौहार में अपने अपनों के साथ रहिए, खुशियाँ मनाइए और खुशियाँ बांटिए। जब शुभ मुहूर्त आए तो राखी बांधिए, सेल्फी लीजिए, दुनिया को दिखाइए, खुद देखिए, इंजॉय कीजिए, एक अच्छी मेमोरी बनाइए। राखी बांधने के सही तरीके की बात की जाए, जब भाई सामने हो तो उसका तिलक करें, कलाई पर राखी बांधे, उसकी आरती करें, भाई बड़ा हो तो आशीर्वाद ले, भाई छोटा हो तो उसे चाहिए कि वो अपने बहन का आशीर्वाद ले। और हाँ, इस राखी का सबसे अनमोल हिस्सा जो है वो है नेक। आप कभी भी अपने भाई से नेक मांगने में हिचकिचाइए मत, गिफ्ट मांगने में हिचकिचाइए मत, क्योंकि ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आप मांग सकते हैं। आप भाई को राखी बांधिए और बदले में उनसे तोहफा भी मांगिए। अगर भाई आनाकानी करता है तो थोड़ा उसे डांट फटकार भी लगाइए, लेकिन अपना उपहार जरूर लीजिए। तो राखी बांधने का ये था तरीका जो युगो युगांतर से चला आ रहा है। अब सबसे ज़रूरी कड़ी की बात करते हैं कि आखिरकार राखी मनाई क्यों जाती है, कब से शुरू हुआ ये रक्षाबंधन का त्यौहार, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, रक्षाबंधन किस लिए मनाया जाता है। राखी का त्यौहार हिंदू पर्व में एक बहुत बड़ा त्यौहार है और इसका एक विशेष मान्यता है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन भाई बहन के लिए ही बनाया गया है, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रीत के लिए बनाया गया है, उनके अनमोल रिश्ते के लिए बनाया गया है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते को बढ़ावा देता है, उनके बीच के प्यार को बढ़ावा देता है। राखी का असली मतलब ये है कि एक बहन अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई उसे वचन देता है कि जब तक वो जिंदा है तब तक उसके मान सम्मान, उसके इज्जत और उसके खुशियों का ख्याल रखेगा, ऐसा उसे वो वचन देता है। अब एक राखी के बदले भाई वचन देता है और इसीलिए हर साल बहन राखी बांधती है ताकि जब भी कोई मुसीबत आए तो उसका भाई उसके लिए डट के खड़ा रहे हर मुसीबत से लड़ने के लिए। तो ये त्यौहार भाई बहन के मजबूत रिश्ते को दर्शाता है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो हर त्यौहार की तरह ये त्यौहार भी भक्तिकालीन से जुड़ा हुआ है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है।
जैसे सारे त्यौहार ईश्वर से जुड़े होते हैं और उनकी अपनी अपनी कोई कहानी होती है जिससे उसकी शुरुआत होती है, तो रक्षाबंधन का भी त्यौहार ऐसा ही त्यौहार है जिसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, जिसके लिए ये कहा जाता है कि उन कहानियों की वजह से ही रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। फिलहाल अगर उन सबके बारे में चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की पूरी कहानी, आखिरकार राखी का त्यौहार कब से मनाया जाने लगा, इसको सबसे पहले किसने मनाया था, किसने राखी की शुरुआत की थी, इन तमाम कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप आगे भी इसे फॉरवर्ड करें, और अगर और भी टॉपिक्स पे वीडियो आपको चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। वेल, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के अपडेट्स के साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सभी को आने वाले रक्षाबंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।